इंजेक्शन कल आ रहा है, उन्हें कुछ भी करके क्या बात है शाद? किस इंजेक्शन की बात हो रही है? जनत, जनत वो इंजेक्शन एमजे के लिए थे। आहिल जी ने मुझे कहा कि वो हेल्प कर देंगे, इसलिए मंगाया था। उसे बैक पेन्स होते रहते हैं ना, तो आहिल साहब ने कहा कि वो अपने डॉक्टर कोई बात नहीं, मैं बस आपसे ये कहने आई थी कि आपने वापस जाने के बारे में कुछ सोचा? और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, इनफैक्ट मेरा बैग भी पैक है, वो आप देख लीजिएगा। आप नहीं जा सकती जी? मेरा मतलब है कि आपने पूरा रमजान हमारे साथ मनाया है, तो आपको ईद भी हमारे साथ ही मनानी चाहिए। वैसे भी एक लड़की की पहली ईद तो उसके मायके में होती है, और आपका निकाह तो इस घर से हुआ है, तो ये आपका मायका हुआ। और आप पाकिस्तान में अकेले अकेले ईद क्यों मनाएंगी? हम सबके साथ, परिवार वालों के साथ मनाइए। थैंक यू सो मच, बट आई एम सॉरी, हम ऑलरेडी इतने दिनों तक आपके घर में रहे और आपने हमारा इतने अच्छे से ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी पहली ईद अपने घर में मनाऊँ। आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। एक और बार सोच लीजिए प्लीज, वो सही कह रही है, एक दिन की बात है, ईद से वही बात कर रहे हैं। हमारी इस बारे में बात हो चुकी है ना शाद, फिर आप क्यों फोर्स कर रहे हैं? आप जाना चाहती है ना? तो फिर जाइए। जनत प्लीज, शायद आफ्ताब खान आज आपसे वादा करता है कि इस बार ईदी के तौर पे आपको आपकी सनम मैं लौटाऊंगा। शायद आप सनम के साथ जाइए। स्टे ब्रायन, आई जस्ट लीव प्लीज। मोहब्बत साथ जाए वो जरूरी नहीं है, पर मोहब्बत महफूज रहे उससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। आप सनम के साथ जाइए, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आई से जस्ट लीव शाद प्लीज। हेलो, पाकिस्तान जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं।
क्या? लेकिन क्यों? मौसम में आई खराबी की वजह से ये फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। असुविधा के लिए हमें खेद है। क्या हुआ? पाकिस्तान जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई खराब मौसम की वजह से। खुदा का इशारा है, शायद वो भी यही चाहता है कि आप अपनी ईद यहां मनाएं, इसी घर में। जन्नत मान जाइए। मुझे आहिर जी खैरात में नहीं चाहिए, मैं उन्हें जीतना चाहती हूँ और ये होगा, जरूर होगा, क्योंकि मैंने जीतने की तैयारी कर ली है। तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और इतना सस्पेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या करने वाली हो तुम? अब इसमें क्या है? ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है। देखिए ना, जब मैं शाद का इरादा नहीं बदल पाई तो मैंने सोचा कि मैं पूरे के पूरे शाद को क्यों ना बदल दूं। अल्लाह जाने मन, तुम्हारी यही अदा तो हमारी जान ले जाती है।
अब ये शायद हमारी मदद करेगा। एक तरफ ये सनम को मेरी और आहिर जी की जिंदगी से दूर करेगा, वहीं दूसरी तरफ ये आपको आपके मकसद में कामयाब। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। चांद मुबारक। आहिल, ईद हर जिंदगी में खुशियां लाती है, लेकिन इस ईद के मौके पर आपको आपकी सनम वापस मिलेगी। इस ईद के मौके पर आप मेरी जान भी मांगे वो भी कम होगा। कौन कहता है दुनिया में इंसानियत नहीं? आपको देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। चांदनिया, इस ईद के मौके पर मैं दिल से दुआ करता हूं कि आपकी जो इच्छा वो पूरी हो। शुक्रिया। इंसान खुद अच्छा हो तो उसे पूरी दुनिया ही अच्छी दिखती है। शायद तो ये भी नहीं जानते कि जिसे वो अपना दोस्त मानकर गले लगा रहे हैं उसी की वजह से मेरे और शायद के बीच इतनी दूरियां हैं। हालात ने भले ही मुझे पाकिस्तान जाने से रोक दिया लेकिन अब कोई भी मुझे शायद के करीब आने से नहीं रोक सकता। मेरा अपना दिल भी नहीं, हमारा रिश्ता अल्लाह ने जोड़ा है। अब मैं हमारे इस रिश्ते को मुकम्मल जरूर बनाऊंगी। चांद मुबारक। आपको भी। इस ईद में अपने और आपके बीच की सारी दूरियां मिटा दूंगी और ये मेरी तरफ से आपकी ईदी होगी। आहिर को नहीं विश करेंगे? चांद मुबारक। आपको भी।
ये आखिरी दिन, आज के बाद मेरे दिल की सारी कश्मकश खत्म हो जाएगी। कल मैं आहिल से बहुत दूर पाकिस्तान चली जाऊंगी, और जब ये आंखों के सामने ही नहीं रहेंगे तो शायद दिल पर भी कोई दस्तक नहीं होगी। बस ये आखिरी दिन, आज के बाद हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी। कल मेरी सनम फिर से मेरी हो जाएगी।